दोस्तों यह है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11, सबसे टॉप मॉडल है 2024 का, सबसे नया, सबसे गजब का मॉडल, और यही सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि यह सबसे टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में आपको मिलता क्या है और बेस वेरिएंट आपको में क्या मिलेगा सब आपको बताऊंगा। दूसरा कलर यहाँ पर ब्लैक खड़ा हुआ है, देख सकते हैं पूरी लाइन से गाड़ी खड़ी है, और ये आपका ब्लैक कलर है, S11 ही है। S11 की सबसे पहली पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने से ऊपर रूफ रेल आपको मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पर रूफ रेल आपको मिल जाएगा, देख रहे हो आप, ये पूरा इस तरह से रहेगा, एंटीना वहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर हेडलाइट जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प रहेगा, DRL रहेगा, ये पूरा हेडलाइट का जो टॉप मॉडल का है डिफरेंस, यहाँ पर पहचान यहीं से आपको मिल जाएगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपका डिफोगर भी आपको मिलेगा, LED वाले DRL आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ये देखो आप, यहाँ पर आपको फोग लैम्प भी मिल जाएगा। ये सारे फीचर्स हैं, इंडिकेटर, और ये आपका हेडलाइट इस तरह से रहेगा, टॉप मॉडल की सबसे बड़ी पहचान। दूसरा यहाँ पर आपका नया तो बैजिंग आपको सब में मिलेगा महिंद्रा का, ये का आपका क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा सामने से, ये पूरा लुक आने वाला स्कॉर्पियो का। देख रहो स्किट प्लेट आपको सामने ग्रे कलर की रहेगी। यहाँ पर जो सबसे खूबसूरती होती है महिंद्रा स्कॉर्पियो में वो है इसके ग्रिल से, ये जो नोज़ है ना, ये आपका देखेंगे तो अगर इसको हटा दी जाए तो खूबसूरती इसकी कम हो जाएगी। इससे क्या है कि ये गाड़ी बहुत ही तगड़ी लगती है, ये देखो आप पूरा गजब कैसा लग रहा है। देख रहे हो इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो बहुत तगड़ी है, बल्ब भी इसके अंदर कंपनी ऑफर करती है, DRL भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो क्रोम है, साइड पर भी है, पूरा क्रोम फिनिशिंग आपको मिल जाएगा, तो ये आप बेस में भी लगाकर टॉप बना सकते हो। यहाँ पर आपका ये फोग लैंप दिया गया है, और ये आपका इस तरह से पूरी गाड़ी आने वाली है, ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर आपका वाशर दिया गया है, और दो वाइपर आपका विंड ग्लास इस तरह से आपका पूरा सामने का रहेगा। अभी साइड प्रोफाइल ये देखिए स्कॉर्पियो की, इसके डोर पर बैजिंग रहेगी टॉप एंड वेरियंट में, और इसके आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगी, आगे आपको दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पीछे डबल आपको ड्रम मिलेगा, यानी कि डिस्क पीछे ड्रम, और इसके अंदर आपको 17 इंच की डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगी, ABS EBD सेफ्टी फीचर के साथ रहेगा। और अब देखिए यहाँ पर आपका RPM पे कोई इंडिकेटर नहीं दिया है, साइड पर आपको इंडिकेटर यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से क्रोम दिया गया है, दूसरी साइड इसी तरह से रहेगा, लेकिन वहाँ पर लिखा आपको क्या मिलता है ये देखो, यहाँ पर MHOK यानी कि इसके अंदर आपका 2.2 लीटर का सेकंड जनरेशन का MHOK इंजन मिलता है, वो भी डीजल, और जो कि पावर जनरेट करता है 97 किलोवाट का, और टार्क जनरेट करता है 300 Nm का, और माइलेज आपको लास्ट में भी बताऊंगा। सबसे पहले चलिए और डिटेल्स आपको दिखाते हैं, दोनों डोर पर इस तरह से आपको मिल जाएगा। अभी साइड से पूरी गाड़ी इस तरह से दिखने वाली है, अभी ग्लास जो है इसका ना इस तरह से रहेगा पूरा, ये देखो आप, यहाँ पर इस तरह से ड्रम आपका रहेगा पीछे, आपको बता दिया। बाकी व्हील जो है वो 17 इंच की डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिलेगी, 60 लीटर डीजल आएगा इस गाड़ी में, ये देखो आप, और आप पीछे देखो भाई, क्लासिक S11 स्कॉर्पियो देख रहे हो, क्लासिक S11 माफिया गाड़ी भैया, दबंगों की सबसे बड़ी पहचान है यही, और देखो एक भौकाली गाड़ी है, जिधर भी लेकर जाओ अगर देखो ना, लोग इसको देखेंगे जहाँ लेकर निकलोगे, देखो इसको, ये देखो। अब यहाँ पर ये पूरा आपका रेड रहेगा, इसके अंदर कोई लाइट नहीं दी गई है, बस खाली लाल रहेगा। यहाँ पर आपका DRL रहेगा LED में, और बल्ब वाले इंडिकेटर, स्कॉर्पियो की बेजिंग, यहाँ पर आपका DRL, ये रिवर्स लाइट है, यानी कि जब आप बाइक करेंगे पीछे गाड़ी तो इसमें लाइट चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही मिल जाएगा, माइक्रो हाइब्रिड की यहाँ पर बेजिंग, स्कॉर्पियो S11, यहाँ पर स्कॉर्पियो महिंद्रा का नया पियानो फिनिशिंग ब्लैक, यहाँ पर आप चाहें तो रिवर्स कैमरा लगवा सकते हैं। अब यह देखिए डिफोगर यहाँ पर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाशर, स्पॉयलर, और ये वाइपर, इस तरह से आप पूरा फुली लोडेड है, क्योंकि टॉप मॉडल है तो कोई यहाँ पर कमी नहीं मिलने वाली है। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाती है, और यहाँ पर देखिए फुटरेस्ट है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर है, रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर आप टोचन कर सकते हैं। चलिए इसका डोर यहाँ पर खोल के आपको स्पेस दिखाते हैं। सबसे पहले डोर देखो, डोर आपको इस तरह से मिलता है, स्पीकर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये पूरा इस तरह से रहेगा। अंदर का स्पेस देख रहे हो, कम से कम 400-500 लीटर यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है सीट ओपन फोल्ड करने के बाद, अगर आप सीट फोल्ड करेंगे तो भी आपको स्पेस अच्छा मिल जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर भी बच्चे तो 4 इसमें बैठ जाएंगे, बाकी 2 बड़े इधर, और 3, 2, 5, 7 सीटर समझ लो ही है ये, बाकी चाहें तो ज़्यादा भी लोग को बैठा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हैंडल भी आपको मिल जाता है, ये देखिए जो पकड़े, और हेडरेस आपको बीच वाली सीट पर 2 मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा लुक आने वाला है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा इस गाड़ी में। अब ये रहा डोर, बीच वाले डोर पर आपको बोतल का स्पेस दिया गया, यहाँ पर भी स्पेस है, हैंडल का डोर, पियानो फिनिशिंग, ये सरासर रहेगा हैंडल का डोर, यहाँ पर आपका डोर, और ये देखिए आप यहाँ पर चारों पावर विंडो रहेंगे, फैब्रिकेशन यहाँ पर आपका मिल जाएगा। आगे जो डोर है मेन डोर पर आपको बोतल का प्लेसमेंट नहीं दी गई है, यहाँ पर स्पेस इस तरह से स्पीकर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर ये पूरा सेटअप सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन
बीच वाले डोर पर बॉटल रखने की भी जगह है। ये पूरा सीट आप देखते हैं पूरा फोल्ड हो चुकी है। पीछे आपको मिलता है एसी बेंट, ये देखो रियर में एसी बेंट, ये आर्मरेस्ट मिलेगा। सीट आप देखते हैं पूरा बढ़िया एडजस्टेबल ये आपका रहेगा। और गजब का यहाँ पर सेटअप बिठाया गया, यानी कि जो जगह है स्पेस वो भी मस्त है। और सीट नंबर वन है लग रही है भाई ये गाड़ी। ऊपर आपको यहाँ पर एलईडी वाले लाइट मिल जाते हैं, यहाँ पर भी स्पीकर ऊपर भी लगवा सकते हैं आप, चाहे टोटल लगवा लीजिए। ये देखिए पूरा इस तरह से रहेगा लुक, देख रहे हो। ये अभी इंटीरियर देखो फ्रंट का, गजब की चीज़ है यार, ये देख रहे हो एकदम लाजवाब चीज़। आर्मरेस्ट के साथ देखो दोनों सीट पे रहेगा इस तरह से, ये देखो। तो अब यहाँ पर देखिए स्पेस इतना ज़्यादा आपको मिलता है, देख रहे हो आप, जैसा आप चाहें वो सीट इस तरह से आप कर सकते हैं फोल्ड। ये देखो पूरा यहाँ पर हमने जब आगे कर दिया, अब स्पेस आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए देख रहे हो स्पेस इतना इस तरह से रहेगा। अब ये पूरा पीछे है, चाहे तो आगे कर सकते हैं। एसी बेंट वहाँ पर भी स्पेस आपको मिल जाएगा इस तरह से जगह, आप देखा ठीक ठाक, देख रहे हो ये इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर ये फैब्रिक वाली सीट रहेगी, डोर टोन फिनिशिंग आर्मरेस्ट भी आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर ये रहा गियर लीवर, अभी चलो दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले एसी बेंट आप देख लो, और ये पूरा डुअल टोन का डैशबोर्ड मिलता है स्कॉर्पियो की बेजिंग। और यहाँ पर ग्लोव बॉक्स के ऊपर पियानो ब्लैक डुअल टोन फिनिशिंग, यहाँ पर स्पेस इस तरह से मिलेगा। जगह यहाँ पर आप देखते हैं इतना ज़्यादा दिया गया है। तो अब चलिए यहाँ पर हम आपको बैठ के भी कुछ डिटेल समझा देते हैं। सबसे पहले एसी बेंट यहाँ पर आपको फ्रंट पे इस तरह से मिलेगा, ये आप देख लीजिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कि ये एप्पल कारप्ले है और एंड्रॉयड ऑटो भी है। यहाँ पर महिंद्रा का बेजिंग आप देखो पहले किस तरह से है, यहाँ पर घड़ी देखो, यहाँ पर ये एप्स दिए गए हैं पूरा। आप चाहें तो इक्वलाइजर, यानी कि आप म्यूज़िक को जैसा आप चाहें वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, देख रहे हो। ये होम पर आ गए हम, सीधा नेविगेशन भी इसके अंदर दिया गया है। आप चाहें तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट करके नेविगेशन भी लगा सकते हो, ये देखो आप। कनेक्ट यूएसबी केबल एंड्रॉयड फ़ोन नीड टू ओपन कर्विट लिंक, ये आप नेविगेशन भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रेडियो है, ब्लूटूथ है, म्यूजिक सेटअप है, ये आप जैसा चाहें वो सेटअप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, यहाँ पर चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं और ये वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ये देखो आप ये ठीक है। यहाँ पर ये बैक हम रिवर्स होम सब आपका देगा, माइक भी इसी के अंदर आपका मिलेगा। तो ये वुडन फिनिशिंग और पियानो ब्लैक फिनिशिंग, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन रखने की जगह है, फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सर्किट है इस तरह से, इसके अंदर लाइट भी दी गई है, ये लाइट भी जलेगा। गियर लीवर इसके अंदर आपको मिलता है, ये देखो इस तरह से पियानो फिनिशिंग है। उसके बाद यहाँ पर क्रोम भी दिया गया है। तो 6 गियर मिलते हैं, 2200 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है इसके अंदर, एमहॉक सेकंड जनरेशन का। और यहाँ पर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का प्लेसमेंट इस तरह से मिलेगा। और मेन डोर पर आपको यहाँ पर चारों पावर विंडो सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, जो कि स्टीयरिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका मिलता है म्यूज़िक कंट्रोल करने का, यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पर आपका ये रहा पूरा डैश जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID 20 में मिल जाएगी, बाकी दोनों साइड एनालॉग स्पीड और RPM लिमिट यहाँ पर आपका पूरा दिया गया है ठीक है, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर वाइपर वाशर कंट्रोल करने का, उधर लाइट अभी चलो आपको दिखाते हैं। और ये आपका टेल टैंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग भी मिल जाएगा, बीच में आपको इस तरह स्पेस मिल जाएगा इस तरह से, देख रहे हो ये स्पेस इस तरह से रहने वाला है। तो चलिए दूसरी साइड चलते हैं। और ऊपर यहाँ पर आपको ऐनक भी रखने की जगह दिया गया है, ये आपका सन प्रोटेक्शन है, IRVM है, यहाँ पर ऊपर इस तरह से लाइट आपको मिल जाएगी, ये देखिए ठीक है। चलो दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ पर क्या मिलता है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो पूरी गाड़ी तो भाई आप देख रहे हो एकदम ज़बरदस्त चीज़ है ये। और मेन डोर जैसे हम ओपन करते हैं, ये देखो आप पूरा लुक, यहाँ पर भी स्पीकर और ये आपका फैब्रिक वाला, यहाँ पर इस तरह से एक वर्क मिलेगा, ये इस तरह से आपको पूरा चारों पावर विंडो लॉक ऑन लॉक का, ये पियानो फिनिशिंग, यहाँ पर RPM को कंट्रोल, हेडलाइट को, यहाँ पर फ्यूल, और यहाँ पर आपका फ्यूल का कैप खुल जाएगा जैसे ही दबाएंगे। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, AC वेंट देखो, लाइट ऑन ऑफ करने का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है इस तरह से, ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर इग्निशन है और चाबी इस तरह से आपको मिलती है, लॉक अनलॉक और लाइट का ये पूरा सेटअप इस तरह से रहेगा। दूसरी चाबी बिल्कुल सादी रहेगी नॉर्मल, ये देखो आप महिंद्रा का, लेकिन नया बैजिंग मिल जाएगा, ये देखो इसमें पुश बटन स्टार्ट होता तो मज़ा आ जाता है। ये रहा क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग आपको पूरा बढ़िया मिल जाएगा, जो कि पियानो फिनिशिंग लेदर फिनिशिंग पर, दो एयरबैग इसके अंदर आपको मिलेंगे। और बाकी इसके अंदर ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी भाई, गाड़ी स्टार्ट करेंगे भी तो समझ लो कि बिल्कुल कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा गाड़ी में। आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूं, देखिए देख रहे हो इतना ज़रा सा इसमें आपको सिर्फ नॉइज़ मिलेगा, यानी कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा नहीं, बहुत ही मतलब स्मूथ हो चुका है इसका इंजन, ये पूरा इस तरह से आपको मिलेगी गाड़ी। चलिए अब इसके हम ऑन रोड प्राइस बताते हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक मिलता है
एस वेरिएंट यानी कि बेस, और एक मिलता है क्लासिक एस इलेवन। तो ये एस इलेवन है, इसमें फिर बहुत सारे जनरेशन आए इससे पहले से, एस टू, एस थ्री, एस फोर, एस फोर प्लस, एस फाइव, एस सिक्स, एस सेवन, एस एट, एस नाइन, इसमें से एस टेन तक आए, फिर उसके बाद एस इलेवन अब आई और एस आती है खाली। और ये आपको दो कलर ऑप्शन पर मिल जाएगी। यहाँ पर ये पूरी ब्लैक खड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पूरा, ये भी टॉप एंड मॉडल है, टॉप मॉडल पूरी है। और यहाँ पर भी इंटीरियर आप देख सकते हैं लॉक की गई है, मैं भी दिखाते हूँ, इसे अंदर आप देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम पूरा ये सेटअप मिलेगा, देख रहे हो एकदम पूरा टॉप मॉडल ही है। अब इसकी ऑन रोड कीमत है 19,51,000 रुपये, एस इलेवन की बेस वेरियंट लगभग 16 लाख रुपये में ऑन रोड कीमत में पड़ जाएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये गाड़ी मिलेगी प्रेसिडेंट मोटर्स महिंद्रा शोरूम नवसारी गुजरात।